कोई मत जाइए, कोई मत आइए, सब रुक जाइए। अरे वहाँ बैग उठा रहेगा आपके दिन, हट जाओ, सब हट जाइए, हट जाओ, हट जाओ। ये कर लिए एक आजमाइश का वक्त चल रहा है। अपना ख्याल रखें। 8 दिन का अनाज, तरकारी, दूध, 3 लीटर छठा पैक का हम उस देखिए आज लेके आए। आप लोगों की जरूरत है तो लीला जी तक आप बोल सकते हैं, आप को भी मैसेज कर सकते हैं, हमको भी बोल सकते हैं, आप तक पहुँच सकते हैं। 8 तारीख को आई और ये एक्स्ट्रा स्लिप होगी, 10 दिन हो गया आपके जिस साइड देख रहे हो, 14 दिन का एक्स्ट्रा स्लिप हो गया, निगेटिव रिपोर्ट ही आ गया। आवाज नहीं आ रही है, पॉजिटिव और फिर एक वक्त एक जगह पे डालना करने के बाद दूसरी जगह भी 3 लोगों नेक्स्ट टाइम और एक बना होगा। आप तफ़ीलात क्या है मुझे दे दो। अब कहाँ है गांधी, दिमाग का ऑपरेशन बात कर दो दिन मैं अभी थोड़ी देर में बात करके बाहर के लिए आपको बोल दिया हूँ। क्या नाम नंबर से बुला लो, सीरियल सर गलत है। अरे उन्होंने अंदर कहीं कोई नहीं, हम बाहर जाओ, चले जाओ अंदर, चले जाओ। बोल दिया घर गाड़ी में, ओके सतीश भाई तीन दूध के पैकेट में देना है सर। थैंक यू सो मच। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है नक़ीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने चंद्रान गुट्टा के 9-10 कंटेनमेंट जोन्स में अपनी तरफ से तरकारी फराहम की और रेशन फराहम किया और साथ में 3 लीटर दूध भी फराहम किया। हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने जाती सरपे से आज 220 लोगों को तकरीबन 15 दिन का राशन फराहम किया। लोगों की दुआएं हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है और मैं अपने जमात की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब जो भी है घर में रहिए, सेफ रहिए, आप तक जमात पहुंच रही है बिल्कुल, अगर कुछ है तो हमको मैसेज कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे, लेकिन जो मुस्तहक है उस तक पहुंचकर हम देंगे इंक्वायरी करके। अभी भी मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नाहिब मिल्लत बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आज
तकरीबन 10 कंटेनमेंट जोन्स में 220 लोगों को तरकारी, रेशन और 3 लीटर दूध भी फराहम किया, और भी अगर कुछ ख़त्म होगा तो वो भी फराहम करेंगे। ये भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का कहना था। शुक्रिया पूरा। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।